भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा अधिक कमाई करने वाले पहले क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया। वहीं सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की आईपीएल 2020 के रिटेशन डे से पहले की कमाई 137 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन जिस पल से धोनी का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा, भारत के इस दिग्गज ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कर लिया। वहीं धोनी 2008 से ही सीएसके की कप्तानी कर रहे हैं, उनका वेतन अब 15 करोड़ रुपए है। वो 2018 से इतनी रकम कमा रहे हैं। वहीं धोनी आईपीएल 2008 के ऑक्शन में सबसे बड़े खिलाड़ी थे और आश्चर्यजनक रूप से वो इस सीजन में भी सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर बिके थे। उन्हें सीएसके ने 6 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके बाद अगले 3 साल तक उनकी कमाई इतनी ही रही थी। वहीं 2011 में बीसीसीआई ने रिटेशन की कीमत बढ़ाकर 8 करोड़ रुपए कर दी थी। इसके बाद 2011 से 2013 तक के बीच आईपीएल में धोनी की सैलरी 8.28 करोड़ रुपए ही रही। वहीं आईपीएल 2014 के मेगा ऑक्शन से पहले बीसीसीआई ने एक बार फिर रिटेंशन की रकम बढ़ाई। ऐसे में 2014 और 2015 में आईपीएल में धोनी की कमाई 12.5 करोड़ रुपए हुई। इसके बाद 2016 और 17 में धोनी सीएसके पर बैन के बाद राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के साथ थे। इस दौरान उनकी सैलरी 25 करोड़ रुपए थी। वहीं 3 बार के आईपीएल खिताब विजेता कप्तान ने 2018 के लीग में वापसी के बाद सीएसके में 60 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं 150 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त वेतन के साथ एक मात्र खिलाड़ी धोनी है। लगातार चौथे सीजन के लिए विराट कोहली की तुलना में 2 करोड़ रुपए कम कमाए जाने के बावजूद मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा आरसीबी के कप्तान से आगे हैं। वहीं रोहित शर्मा जो आईपीएल की शुरुआत से ही सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं, अब तक 146.6 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुके हैं। वो 2018 से मुंबई इंडियंस से 15 करोड़ रुपए सीजन कमा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली 2018 से प्रति सीजन 17 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वो तीसरे स्थान पर मौजूद है। वहीं विराट कोहली आईपीएल में अब तक 143.2 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। वहीं रोहित और धोनी पर 2 करोड़ रुपए की बढ़त कोहली के आईपीएल करियर के मुख्य आकर्षण में से एक रही है। अब देखना होगा कि क्या अगले साल विराट कोहली रोहित शर्मा को पछाड़ पाएंगे या नहीं। LDNEWS रूम की रिपोर्ट।